हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 38 के साथ हाजिर हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फेंग जिया होता है वो सामने वाले अपोनेंट से गहरा होता है। अगर मैं अपनी असली पावर का इस्तेमाल करता तो तुम्हारे पास मेरे से जीतने का कोई चांस नहीं होता, और अपना बड़ा सा लोटस अपने हाथ में समन कर लेता है। इसको देखने के बाद वो भी बंदा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो टीचर होती है वो अपने छड़ी से उसको बांध देती हैं और बोलती तो वहीं के वहीं रुक जाओ, जो तुम्हारा बिहेवियर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस क्लास में। मतलब इस तरीके के बिहेवियर तुम क्लास में नहीं कर सकते हो, और उसे के लटका कर अपने साथ ले जाना स्टार्ट कर देती है। और सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर, और टीचर उसे बहुत ज़्यादा क्लोज करके बांध लेती है और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, जिससे जो फेंग जिया है उसका चेहरा पूरा लाल पड़ने लगता है। और उससे जो टीचर उससे बोलती है, मुझे पता है तो तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं तुम्हें आज माफ़ कर सकती हूँ इस बिहेवियर के लिए। लेकिन अगर तुम इस तरीके की स्किल का इस्तेमाल करते रहे अपने क्लासमेट के खिलाफ तो तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम बिना मूविंग मतलब बिना हिले यहीं पर बने रहोगे मेरी इस छड़ी से, इस बात को याद रखना। तभी ये देखकर वो तो अपना क्वेश्चन मार्क चमकने लगते हैं और बहुत सरप्राइज होता है, बोलते क्या मेरी फैमिली सिचुएशन स्पेशल है, आखिरकार ये क्या सिचुएशन, मतलब तुम क्या जानती हो इसके बारे में। तभी जो टीचर है उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और जो तुम्हारी पावर है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई और कॉलेप्स हो चुका है सब कुछ। मुझे लगा था कि जो तुम बहुत ज़्यादा उदास हो गए इस बात से और तुमने सभी चीज़ों से गिव अप कर दिया होगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने आप को इस लेवल तक ट्रेंड कर लोगे, वो भी मतलब चुपके से सरप्राइजिंग। लेकिन तुम्हारे इस लेवल को देखकर मैं वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड भी है तुम्हारे ऊपर। जिसको सुनने के बाद फेंग तो भैया अपने अलग ही दुनिया में खो गए होते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज ही होते हैं। अभी वो उसको अलग दूर करता है टीचर को और बोलता है, चलो एक मिनट रुको मुझे सोचने दो। और फेंग जी मन में सोचते हुए बोलता है, अगर मैं अपनी कन्वर्सेशन को कंबाइन करूँ इसके साथ तो इस क्लास में मेरा नाम फेंग जिया नहीं है बल्कि मैं एक यंग लड़का हूँ जो इस क्लास को पास नहीं कर सकता, और इस क्लास में जो भी थिंग मतलब जो भी चीज़ अपेयर हुई है वो पास्ट की इवेंट से जुड़ी हुई है, और तो और ये एक इल्यूजन की तरह दिख रहा है, मुझे और ज़्यादा ध्यान देना होगा इस बात पर। और वो सरप्राइज होता है, मतलब सोच रहा होता है अपने बारे में। तभी जो टीचर होती है और उससे बोलती है, अच्छा टाइम साहब तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ सोचने का। और तभी टीचर उसे बोल दिया, अच्छा तो आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं आज तुम्हें क्लास यहीं पर ख़त्म करती हूँ और तुम्हें जाने देती हूँ, आप सभी लोग घर पर जा सकते हैं। और सभी के सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं टीचर गुड बाय। और तभी वहाँ पर अजीब सा सीन बनने लगता है और वहाँ पर अजीब सी मतलब टेक्नोलॉजी को सब लोग गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फेंग जिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, सब लोग यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो गए, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो बच्चे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो भी धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट होने लगता है, और जो फेंग जिया ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो उसे बोलता है हे ए जिया, रुकने की कोशिश करता है। तभी उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी अचानक से हमें सामने दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जियो और एंसिस्टर को सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं जरा एक मिनट रुको। तभी हमें दिखाया जाता है फेंग जिया की जो उस बुक को पढ़ रहा होता है और बोलता है क्या मैं सच में रियलिटी में वापस आ गया अब। और इसी के साथ हमारा मतलब हमारा जो हीरो है जो मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर, और वो बोलने लगता है मैं वापस आ गया, मैं सच में वापस आ गया, और इस बुक के जो वर्ड है वो भी चेंज हो चुके हैं, क्या मैं सपना देख रहा था, मैंने अपने आप को एक तरह की जीनियस के तौर पर देखा था, जब मैं उठा तो ये सब कुछ एक झूठ था और कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो फेंग जिया का चेहरा होता है जू के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। तभी जो जू होती है वो उसको गले से पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और बोलती है हे फेंग जिया आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी फेंग जिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, उसका चेहरा लाल पड़ ही रहा होता है और बोलता है ये फीलिंग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तभी जो एंसेस्टर होते हैं उसकी छुट्टियाँ पकड़ कर घुमाना स्टार्ट कर देती हैं और बोलते हैं बच्चे जरा बेवकूफ़ी जैसे हरकतें करना बंद कर दो, अभी अभी मैंने जो तुम्हारी बॉडी थी वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, इसका कारण मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी फेंग जिया चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है एंसेस्टर, मतलब सीनियर शांत हो जाइए। और तभी फेंग जिया मतलब एंसेस्टर उससे पूछते हैं आखिरकार ये बुक क्या है, जरा मुझे भी दे दो। तभी फेंग जिया उससे कहता है हे सीनियर इतने ज़्यादा क्यूरियस भी मत बनो, मतलब चिल्ला बच्चा इधर हरकत करना बंद कर दो, इस बुक के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और सच सच बताऊँ तो ये क्लास
बहुत ज़्यादा अजीब है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भागना होगा, निकलना होगा। और हमें दिखाया जाता है जो फेंग ज़िया उन दोनों को लेकर वहाँ उस रूम से भागना स्टार्ट कर देता है और सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है उन दोनों को। और तभी जो एंसेस्टर है उसे बोलता है, इसको देखकर ऐसा लगता है जो रोड है उसको गॉड किंगडम के द्वारा छोड़ा गया था और ये किंगडम अब एक इतिहास बनकर रह गया है। जो ये किंगडम है ये बस एक लेजेंड बनकर रह चुका है। तभी फेंग ज़िया उससे पूछता है, ए सीनियर, इस क्लासरूम के बारे में आप क्या सोचते हो? सीनियर से कहता है, इस ये क्लासरूम की सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा अजीब है। अगर तुमने जो अभी भी मुझे बताया उसको ध्यान में रखा जाए तो मैं अभी भी इसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। और जो जू होती है वो तो अपनी उसके पास तो दिमाग होता ही नहीं है, खैर स्पाइडर जो है। तभी जो फेंग ज़िया उससे पूछता, हाँ गाइस, तुमने अभी मुझसे कहा था कि मैं मोशन लेस था बिल्कुल भी, आखिर मैं कितने समय तक था? तभी जो जू हाथ उठाती है उसे बोलती, मुझे पता है ज़िया, और उसका हाथ उठा लेती है। और तभी अचानक उसका हाथ उठाकर अपने संतरों पर रख लेती है और जो फेंग ज़िया होता है उसके संतरे दोबारा स्टार्ट कर देता है और मौसम बनने लगता है अजीब सा। और तभी जो जू होती है वो फेंग ज़िया से बोलती है, अब तुम इस तरीके से काउंट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और फेंग ज़िया के नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। और जो जू उससे कहती है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 times। इसको हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो फेंग ज़िया है उसकी तो चुटिया घूम ही रही होती है और उसकी नाक से तो बिल्कुल गंगा बह रही होती है, मतलब नदी बह रही होती है। और फेंग ज़िया उससे कहता है, क्या 100 times? तभी जो एंसेस्टर होता है उससे फिर से उसकी चुटिया पकड़ लेता है और उसे घुमाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, अपने आप से सोचो बे, अगर मैं मैं सही में काउंट करूँ तो 100 times तो मेरा जो खून है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तभी जो फेंग ज़िया है उससे कहता है, इसका मतलब ये है कि मैंने उस मिस्टीरियस स्कूल में कम से कम 30 minutes गुजारे हैं और रियलिटी में देखा जाए तो कम से कम कुछ ही मिनट, तो देखा जाए तो उस स्कूल का समय और रियल वर्ल्ड का समय दोनों ही डिफरेंट है। मुझे लगता है इस मतलब ओल्ड विलेज का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अजीब है और इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। हमने आज इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कि हमें इस दूसरे अदर स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए आज। तभी एंसेस्टर से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें डायरेक्टली उस ईविल एयर के सोर्स की तरफ जाना चाहिए। तभी वो लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं पर हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ईविल ऑरा निकल रहा होता है एक जगह सर। तभी फेंग ज़िया उससे कहता है, एक बात हमेशा याद रखना और केयरफुल रहना, अगर कुछ भी यहाँ पर अजीब हो और ख़तरनाक हो तो हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और हमें दिखाया जाता है एक कमरे का सीन, कितना डरावना दिख रहा है ना। और जो भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगती है और सरप्राइज भी होती है बहुत, और उसे अजीब सा महसूस होने लगता है पता नहीं कैसे, और अपने ही संतरों को संभालना स्टार्ट कर देती है और वो बोलने लगती है, ये थिंग मेरे सामने, और उसका चेहरा उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट होने लगती है और पता नहीं क्यों क्या पकड़ी हुई है, क्या संभाल गए संतरों को तरबूज जो भी है, और उसका जो बाल वो फिर से सफ़ेद हो जाते हैं और बोलती है, ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा फ्रीसियस है। और उसका जो ईविल ऑरा है वो उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर जो फेंग है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, जो आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ? तभी जो एंसेस्टर उससे बोलता है, इस लड़की का जो पावर लेवल है वो बहुत ज़्यादा लोअर है और इस ईविल एयर से इसकी बॉडी को वो ईविल पावर कंट्रोल कर सकती है। और जो एंसेस्टर होते हैं वो अपनी पावर से उसे जगाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, लिटिल गर्ल जरा उठो, होश में आओ। और तभी जो जू होती है वो फिर से अजीब सा बोझ बनाने लगती है, अब क्या ही बताए। तभी वो बोलती है उससे, अभी अभी मुझे अजीब सी चीज़ मतलब महसूस हो रही थी, अनकम्फर्टेबल जैसा महसूस हो रहा था। तभी एंसेस्टर उससे बोलता है, मुझे नहीं पता कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है, जू अपने मैजिक का ध्यान रखना। जो बोलती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। और तभी जो जू होती है वो अपने कुछ स्पाइडर निकालती है अपने मैजिक से और वो स्पाइडर की एनर्जी उसमें जाना स्टार्ट कर देती है और कमरे में जाना स्टार्ट कर देते हैं सारे के सारे स्पाइडर, जिसमें से बहुत ज़्यादा बुरी ईविल एनर्जी निकल रही होती है। तभी उसके जो स्पाइडर होते हैं वहीं पर दिमाग की तरफ फटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको देखकर जो फेंग ज़िया है वो ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, ओ भगवान जी ये क्या हो रहा है। तभी फेंग जो जू होती है वो फेंग ज़िया से बोलती है, फेंग ज़िया जरा उधर तो देखो, यहाँ पर एक नाइफ रखा हुआ था, एक अजीब सी लकड़ी के टेबल जैसा कुछ है वहाँ पर, उसी नाइफ में से बहुत ज़्यादा बुरा ईविल ऑरा निकल रहा होता है और वो जो नाइफ है उसमें से खून बह रहा होता है, जिसको देखकर तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और जो फेंग ज़िया उसे बोलता है, ये तो किल पिक नाइफ है जिसमें से फ्यूसियस ऑरा निकल रहा होता है और खून ही खून बह रहा हो तो है।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।